एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है ये MGIMS के कैंपस टूर वीडियो होने वाला है। मतलब इस वीडियो में हम पूरा कैंपस देखने वाले हैं। हमारा जो कॉलेज है MGIMS, ये काफ़ी पुराना एंड काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज है। 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था एंड ये जो कॉलेज है ये गांधीयन थाट्स पे रन करता है। एंड आपको मैं बता दूँ, यहाँ के बहुत ही फेमस एलुमनाई भी है। लाइक आपने KK अग्रवाल, जो फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है, उनका नाम सुना ही होगा, वो यही के एलुमनाई रह चुके हैं। सो काफ़ी प्रेस्टिजियस एंड काफ़ी अच्छी कॉलेज है। सो चलो देखते हैं इसका कैंपस। सो जैसे ही आप एंटर करोगे, ये मेन एंट्रेंस गेट है इसका। सो जैसे ही आप एंटर करते हो इसके अंदर, तो आपको काफ़ी ग्रीनरी दिखाई देगी। दोनों तरफ काफ़ी सारे पेड़ पौधे आपको नज़र आएंगे। एंड ये सामने में जो आपको दिख रहा है, ये है चौराहा। सो यही रेफरेंस पॉइंट है, यहीं से मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। जब हम इस चौराहे से राइट मुड़ते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पार्किंग एरिया दिखता है, जो काफ़ी बड़ा है। एंड यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं, लाइक जो भी कॉलेज में आते हैं या फिर हॉस्पिटल में दिखाने के लिए आते हैं। एंड इसके बाद हम स्ट्रेट जाएंगे, तो सबसे पहले राइट साइड में आपको JN गर्ल्स हॉस्टल दिखेगा। मतलब ये लड़कियों के लिए हॉस्टल है। एंड इसके लेफ्ट साइड में बैडमिंटन कोर्ट है। एंड इस बैडमिंटन कोर्ट के जस्ट सामने है कैफेटेरिया। एंड इसके आगे जाने के बाद, इस कैफेटेरिया से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद, ये है JN बॉयज़ हॉस्टल। सो इस कैफेटेरिया के बाद हम लोग इधर से वापस आ रहे हैं। एंड फिर से आपको ये गर्ल्स हॉस्टल दिख जाएगा। एंड हम फिर से चौराहे के पास आ जाएंगे। चौराहे से ये जो स्ट्रेट रोड जा रही है, अब हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले इस रास्ते में हमें ये ICH दिखेगा। सो ये रहा ICH। एंड इसके जस्ट बगल में ये जो बिल्डिंग है, ये PG जो कर रहे हैं उनके रहने के लिए बिल्डिंग है। लाइक जो मैरिड कपल है वो रहते हैं। एंड इसके जस्ट सामने ये जो बिल्डिंग है, ये न्यू बॉयज़ हॉस्टल है। और इसके आगे जाने पे आपको दो बिल्डिंग नज़र आएंगी। एंड ये जो है बिल्डिंग, ये इंटर्न के लिए है। मतलब जो इंटर्नशिप कर रहे हैं वो लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं। न्यू बॉयज़ हॉस्टल के राइट साइड से जब हम टर्न लेंगे, तो ये स्ट्रेट रोड आएगा। ये रोड हमें ऑडिटोरियम तक लेके जाता है। एंड ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है, ये हॉस्पिटल की ही बिल्डिंग है। एंड इधर आपको बगल में पेड़ पौधे दिख रहे होंगे काफ़ी सारे। सो ये सब हॉस्पिटल का ही एरिया है। काफ़ी बड़े एरिया में ये पूरा कॉलेज बना हुआ है, लाइक 450 एकड़ एरिया में। एंड ये आ गया हमारा ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम भी काफ़ी बड़ा है। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस होते रहते हैं। सो ये पूरा ऑडिटोरियम वाला एरिया है। ऑडी रोड से अब हम वापस आते हुए फिर से चौराहे पे आ जाएंगे। एंड चौराहे से लेफ्ट की तरफ दो रास्ते जाते हैं, एक तो कॉलेज बिल्डिंग की तरफ चला जाएगा एंड दूसरा ये रास्ता जो हमें हॉस्पिटल की तरफ लेके जाएगा। सो चलते हैं एंड देखते हैं हमारे हॉस्पिटल को। सो सबसे पहले इधर आपको ये पार्किंग एरिया दिख जाएगा, जहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करते हैं जो भी आते हैं हॉस्पिटल में। एंड इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये आपको इधर सामने में दिख रहा होगा कस्तूरबा हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टोर। सो ये है दवाई खाना, जहाँ से लोग दवाइयाँ लेते हैं। एंड इसके जस्ट बगल में इधर इमरजेंसी सेंटर का ये एरिया है एंड इसकी बिल्डिंग है पूरी। सो ये रहा इमरजेंसी सेंटर का पूरा बिल्डिंग। सो ये है हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट। एंड इसके जस्ट बगल में ये स्टैचू काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। आप जब इसको रात में देखोगे ना, जब इसमें लाइटिंग हो जाती है रात को, तो ये और भी सुंदर दिखने लगता है और हमारे कॉलेज के सुंदरता में चार चांद लगा देता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं बाकी का जो एरिया है हमारे कॉलेज के हॉस्पिटल का। तो ये जो आपको सामने में बिल्डिंग दिख रही है, ये है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। मैं इसके अंदर का भी व्यू आपको दिखाऊंगी, लाइक अंदर कैसा है हॉस्पिटल। एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि जो हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पे पेशेंट फ्लो कितना है, कितना एक्सपोजर मिल सकता है आपको। एंड एक चीज़ और, आपको ये लग रहा होगा कि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, लाइक लोग बहुत कम दिख रहे होंगे। सो ये इसलिए क्योंकि ये वीडियो मैंने सुबह 6 बजे शूट किया है, क्योंकि मुझे दिन में कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है एंड शूट करने में सही नहीं रहता। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं सुबह सुबह ही कॉलेज कैंपस का वीडियो शूट कर लूँगी, ताकि सब कुछ मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। सो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की बिल्डिंग से जब हम आगे जाएंगे, तो सबसे पहले हमें कोरोना ब्लॉक दिखेगा। सो चलिए देखते हैं आगे।
अब जो सामने में बिल्डिंग आएगी, ये बिल्डिंग है हमारे कॉलेज के रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट की। सो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया गया है, इसको काफ़ी प्यारा दिखता है बाहर से। सो ये पूरा रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। ये सब हॉस्पिटल का ही पार्ट है। अब हम फिर से आ जाएंगे चौराहे पे, एंड चौराहे से लेफ्ट साइड में जो दूसरा रास्ता जा रहा है, ये रास्ता हमें कॉलेज बिल्डिंग की तरफ ले जाएगा। सो अब आगे जाते हैं एंड देखते हैं कि हमारा कॉलेज बिल्डिंग कैसा है। एंड इसी रास्ते से आगे जाने पे हमें और भी हॉस्पिटल के कुछ और भी पार्ट्स नज़र आएंगे। सो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। हम आ गए हैं एकेडमिक बिल्डिंग के जस्ट सामने। सो ये रहा हमारा एकेडमिक बिल्डिंग। हमारा एकेडमिक बिल्डिंग और जो हॉस्पिटल वाला पार्ट है ना, वो सब अंदर से सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब आप जब अंदर जाओगे एकेडमिक बिल्डिंग के, तो आप हॉस्पिटल वाले एरिया में भी इजली जा सकते हो, अंदर ही अंदर रास्ता है उसके लिए। इसके जस्ट सामने ये सब आपको पार्किंग एरिया दिखेगा, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करने के लिए जगह दी हुई है। इस रास्ते पे अगर हम आगे जाते हैं तो हमें कुछ हॉस्पिटल के कुछ डिपार्टमेंट्स नज़र आएंगे। तो चलिए देखते हैं बाकी सारे हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट्स हैं। सो सबसे पहले अगर आप इधर देखोगे तो आपको लेफ़्ट साइड में इधर एटीएम नज़र आएगा। सो अंदर में ये सेंट्रल बैंक का एटीएम है। एंड आगे जाके सबसे पहले हम देखते हैं लेप्रोसी डिपार्टमेंट। सो ये है लेप्रोसी डिपार्टमेंट। एंड गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा कुष्ठ रोग के मरीज़ों की सेवा की थी, जैसे कि मैंने पढ़ा है, उनके बारे में सुना है। सो ये कुष्ठ रोग का ही डिपार्टमेंट है, जिसको हम लोग लेप्रोसी भी बोलते हैं। एंड मैं सुबह सुबह आई थी, तो अभी मैं देख रही थी कि इधर मरीजों को सुबह का ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जा रहा था। एंड ये ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये है रीडिंग एरिया, मतलब जो लाइब्रेरी है ना, उसके जस्ट बगल में रीडिंग एरिया है। सो ये उसी का पार्ट है। एंड ये जो बिल्डिंग है ना, ये है हमारा साइकेट्रिक डिपार्टमेंट। सो ये है साइकेट्रिक डिपार्टमेंट, मतलब मानसिक रोग विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री। मैंने कोशिश की कि मैं आपको अपने कॉलेज का सारा एरिया, सारा जो डिपार्टमेंट है, वो सब कुछ दिखा पाऊँ। तो लगभग सारी चीज़ें मैंने अपने तरफ से आपको दिखाने की कोशिश की है। कुछ छूट गया होगा, तो आगे मैं और भी वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें आपको मैं अपने जो कॉलेज के डिपार्टमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। ये रहा मेन एंट्रेंस गेट, जो हमारे कॉलेज बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस गेट है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारा हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे पेशेंट लोड कितने हैं, कितना लोग वहाँ पे डेली दिखाने आते हैं। सो ये जो वीडियो है, ये मैंने दिन में लगभग 12 बजे के आसपास शूट किया है। एंड आप देख सकते हो कि कितने सारे पेशेंट यहाँ पे हैं, कितने सारे लोग अभी ये मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले रहे हैं। जहाँ तक मैंने देखा है एंड जहाँ तक मैंने सुना है कि अगल बगल के जो गाँव है एंड अगल बगल का जो एडजॉइनिंग एरिया है, वहाँ से सब लोग प्रायः यही हॉस्पिटल को प्रीफर करते हैं एंड यहीं पर आके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। आप देख रहे हो कि कितने सारे लोग यहाँ पे दवाइयाँ लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग इधर बैठे भी हुए हैं। ये सैंपल कलेक्शन वाला एरिया है, जहाँ पे ब्लड सैंपल ये सब कलेक्ट किया जाता है। एंड ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मतलब पेशेंट का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है दिखाने से पहले। आइए अब हम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर बिल्डिंग को अंदर से देखते हैं कि इसके अंदर कितनी पेशेंट लोड है, कितने लोग यहाँ दिखाने आते हैं। वैसे आप बाहर भी देख सकते हो कि कितने सारे लोग बैठे हुए हैं।
तो चलिए चलते हैं अंदर। सो ये है अंदर का व्यू मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के अंदर। जब आप एंटर करोगे तो कुछ ऐसा ही व्यू आपको नज़र आएगा। ये ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट। मैं लगभग 12:30-1 बजे के आसपास यहाँ आई थी एंड अभी भी इतने सारे लोग यहाँ पे अपने नंबर के इंतज़ार में बैठे हुए थे। सो आप समझ सकते हो कि कितना पेशेंट लोड है यहाँ पे इस हॉस्पिटल पे एंड कितने सारे लोग यहाँ दिखाने आते हैं। सो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलता है यहाँ के स्टूडेंट को। सो ये मैटरनिटी वार्ड है जो अभी आप देख रहे हो। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी जो मुझे यहाँ के हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खास बात लगती है, वो ये है कि यहाँ के हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई है ना, साफ़ सफाई पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैंने अपने यहाँ के हॉस्पिटल में कभी इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं देखी। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ एंड वहाँ के हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है, इतनी ज़्यादा इधर उधर से बदबू आते रहती है कि मतलब वहाँ पर हॉस्पिटल में जाके रुकना मुश्किल हो जाता है। यहाँ के हॉस्पिटल के किसी भी एरिया में चले जाओ, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई है, कहीं भी आपको कुछ भी गंदगी नज़र नहीं आएगी। अब हम मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर आ चुके हैं एंड यहाँ 1 बज चुका है जब मैं यहाँ शूट करने आई थी एंड अभी भी आप देख सकते हो कि कितने सारे पेशेंट्स अपने नंबर के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अब हम चलते हैं मेल मेडिसिन वार्ड में एंड इसको देखते हैं अंदर से कि ये मेल मेडिसिन वार्ड अंदर से दिखता कैसा है। सो ये कुछ ऐसा दिखता है एंड यहाँ पे कंपार्ट वाइज बेड लगाया गया है। जैसे कि ये वाले कंपार्ट में आपको 8-9 बेड दिख रहे होंगे, इसी तरह करके अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं एंड इसमें बेड लगाए हुए हैं एंड काफ़ी सिस्टमेटिक वे में सब कुछ आपको दिख रहा होगा एंड काफ़ी साफ़ सफाई भी आपको दिख रही होगी। कुछ भी ऐसा आपको गंदगी यहाँ नज़र नहीं आ रहा होगा एंड इधर बगल में हेल्प डेस्क है जहाँ पे आपको नर्सेस नज़र आ रही हैं जो आपकी देखरेख के लिए हर टाइम यहाँ पे रहती हैं। ये रहा फीमेल मेडिसिन वार्ड, इसको भी हम अंदर से देखते हैं। तो ये सेम ही मेल मेडिसिन वार्ड की तरह ही है, इसमें भी ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं एंड इस कंपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे बेड लगाए गए हैं जहाँ पे पेशेंट रहते हैं एंड इधर ये हेल्प डेस्क हो गया। सो काफ़ी आपको सब कुछ सिस्टमेटिक वे में यहाँ पे बहुत ही अरेंज्ड वे में सब कुछ रखा गया है। ओवरऑल मैंने आपको हॉस्पिटल एंड कॉलेज सब कुछ अच्छे से दिखा दिया है एंड अंदर से भी आपको हॉस्पिटल दिखा दिया ताकि आप देख सको कि कितना पेशेंट फ्लो है, कितने लोग यहाँ दिखाने आते हैं एंड ये डिसाइड कर पाओ कि आपको ये कॉलेज कैसा लग रहा है, ये हॉस्पिटल कैसा लग रहा है। सो अब मैं आपको अपने कॉलेज की लाइब्रेरी दिखाती हूँ क्योंकि ये लाइब्रेरी बहुत ही सुंदर है अंदर से एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी है। अभी हमें लाइब्रेरी अलाउ नहीं है क्योंकि फर्स्ट ईयर में लाइब्रेरी में जाना अलाउ नहीं होता है क्योंकि सीनियर्स पढ़ाई करते रहते हैं। सेकेंड ईयर से हमें भी लाइब्रेरी में जाना अलाउ हो जाएगा, बट ये वीडियो क्लिप मैंने अपने एडमिशन के टाइम पर ही बनाया था जब मैं फर्स्ट टाइम अपने पेरेंट्स के साथ गई थी लाइब्रेरी देखने के लिए। तो ये रहा लाइब्रेरी हमारे कॉलेज का एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये कॉलेज की लाइब्रेरी कैसी लगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो। सो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।